क्रिकेट से राजनीति में क्या सीखा, आपने अपने पहले प्रोफेशन से क्या सीखा? और मैंने अपने पहले प्रोफेशन से एक ही चीज़ सीखी थी कि लड़ाई लड़ो तो आमने सामने की, पीठ पीछे काया लड़ते हैं। और पिछले 15 दिन में जिस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा, कभी बोला, कभी मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करने की कोशिश करी गई, कभी मेरे अगेंस्ट FIR दर्ज कराई, कभी बोला कि मैं 240 दिन देश से बाहर रहूँगा, फिर कभी बोला कि मैं डिबेट से डर गया। मैं इस मंच से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से नहीं डरा वो इनकी डिबेट से क्या डरेगा। फिर हमारे चीफ मिनिस्टर ने बोला कि जो अभी हाल ही में उनके साथ हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया, और मैं इस मंच से उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो अभी इतने बड़े नेता बने नहीं हैं कि उनके कि भारतीय जनता पार्टी को उनके बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। हर चीज़ में पिछले 4.5 साल में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम किया गया। इतने बड़े बड़े सपने दिखाए गए दिल्ली वासियों को 4.5 साल पहले कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आश्वासन देता हूँ कि हम दिल्ली को ना लंदन ना पेरिस, हम दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे, एक ऐसी दिल्ली जहाँ पर हम सब खुशी से रह सकें, जहाँ पर हम साफ हवा में सांस ले सकें, साफ पानी पी सकें, महिलाओं के लिए सुरक्षा हो, जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित फील करें। हम कोई भी झूठे सपने नहीं दिखाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आया, हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर जिस तरीके से उनका सपना है इस देश को सुपर पावर बनाने का, जिस तरीके से उन्होंने, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, उनकी आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया है, उससे प्रभावित होकर ये देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ पर आपको एक स्ट्रांग लीडर, एक स्ट्रांग लीडरशिप की ज़रूरत है, और वही हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 साल में किया। मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आया क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की लेगेसी है उसको आगे लेके जाऊँ, एक सच्ची नीयत के साथ, एक सच्चे दिल के साथ। आप सभी लोगों की सेवा करने के लिए उतरा हूँ, आप सभी लोगों का आशीर्वाद की ज़रूरत है, आप सब यहाँ पर आए इसका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।